मैं आप लोगों से ये दरियाफ्त करना चाहती हूँ, किस मुंह से आप लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बेटे पर? बेटी आपकी घर छोड़कर गई, तलाक लेने भी अदालत आप ही की बेटी गई, तो अब कोई नई साजिश है जो आप लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं? मुझे तो तब भी शक हो गया था जब मन्नत पेशी पे नहीं आई थी 2 महीने। पता चल गया होगा ना बरात दूसरी शादी कर रही, ना खुद बसेगी ना दूसरे को बसने देगी। दूसरी करे या तीसरी, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपके बेटे से और ना ही हम सुलह करना चाहते थे। लेकिन अब ये जो सब हुआ है, बल्कि आपके बेटे ने जो हमारी मासूम बहन को वरगलाने की कोशिश की है, ये नाकाबले माफी है। अच्छा जी, नाकाबले माफी है, कोई बात नहीं, तलाक दे देते हैं आपकी बेटी को। मुराद जी। जी अम्मी। तलाक दे बेटे, तुझे इन्होंने कटहरे में लाकर खड़ा किया है। तलाक दे दे वैसे भी इस रिश्ते में, अब बाकी बचा क्या है? अम्मी वो आंटी, हमने आपको यहाँ बात करने के लिए बुलाया, इस तरह मामला बिगड़ है, प्लीज समझने की कोशिश करें कि अब सवाल सिर्फ हमारी बेटी की जिंदगी का नहीं है। हाँ समझ रहे हैं, आपकी बेटी तलाक लेना चाहती थी ना, ले ले तलाक। तीन चार महीने पहले की बात और थी, अब बात और है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए तो। आप कैसे ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये बच्चा मेरे मुराद का ही है? खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी उसे निकाला। खबरदार जो आपने हमारी मन्नत पैसा घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश की, तो इल्जाम कब लगाया है हमने? हम तो सच बात करते हैं, इल्जाम तो हम लगा ही नहीं रहे। आपके घर पे रह रही है ना आपकी बेटी, तो आप जवाब दें, आप जवाब दें। हम तो आपकी नजर में झूठे हैं, तो ये रिपोर्ट तो आपने ही दी है ना, ये झूठ कह रही है। अम्मी प्लीज चुप कर जाए ना। अब आप ज्यादती कर रही हैं, हमने रिपोर्ट देख के ही आपको यहाँ बुलाया है। आपको कोई बात गलत लग रही है? आपका बेटा आपके सामने बैठा है, पूछ लें इससे क्या सच है और क्या झूठ।